सकता हूँ ये कहाँ का घर है। वेलकम, ये घर का गाड़ी है, देखो भाई ये घर का गाड़ी है। 1, 2, 3 2 करोड़ का तो तीनों गाड़ियाँ होगी। ये कौन सा है? राजस्थ। ये देखो गाड़ी का, लगता है घर के आगे शोरूम लगा है। कितना घर है देख लो, ये अभी आगे देखो। ये तालाबाद का भाई है, किधर शोरूम है। चलो तुमको घर में ले चलता हूँ भाई। अरे यो भाई, यो भाई का घर आए हैं, देखो इनका रूम है। ये ड्राइवर का ही जिंदगी है। बैठो भाई, आपसे इंटरव्यू करते हैं। क्या इंटरव्यू करते हैं? मतलब कुवैत में कैसे आए, कब आए, कैसे आप? मैं 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, देखो कितना आ रहा है। अच्छा, टाइम पढ़ने अभी नारजान भी नहीं हुआ है, अभी बैठ होने के टाइम हो गया ना। हाँ हो गया, चलेंगे थोड़ा इंशाल्लाह। तो और सब बताओ कैसे आए, बढ़िया कैसे आए इधर बता दो दोस्तों। चल 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 के। तो देखो दोस्तों, ये भी है, आप कहाँ का है? असम का भाई है, हम बिहारी है, ठीक है, आसामी बिहारी, ठीक है, हम सब है बीमारी। आप बीमारी बन के आए सच। झंडो के भाई को भी देखो, ये झंड हो गया साला, फिर भी घमंड है। कुवैत में आए हुए हैं बस, अब क्या करेगा, आए हुए हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा भाई। इधर मौज मस्ती में दुख है, फिर भी खुशी में रहना पड़ता है। अब किसी को बताएगा तो उधर मजाक में उड़ाएगा लोग, बोलेगा लोग ये कर दिया ये कर दिया। और कुछ लोग यहाँ से जब विदेश जाते हैं तो लगता है साला रईस का खानदान के मतलब पुराने औलाद है, जाएंगे तो ये ऐसे ऐसे जीत जाग में रहेंगे, ऐसे ऐसे मतलब बहुत शो करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, इधर भी हम लोग काम करते हैं, वही है थोड़ा बस रूम थोड़ा अच्छा मिल जाता है, वो भी भाग सही है फिर रूम अच्छा मिल जाएगा। तो कोई दिन यहाँ पे भी अच्छा रूम नहीं मिलता है। किसी भाई को मतलब भाग नसीब सही है जैसा, तो रूम अच्छा मिल जाता है। देखो यहाँ विदेश आओ ड्राइवरी में तो 100 में समझ लो 50% आशा रखो कि अच्छा घर मिलेगा तुम्हें, ठीक है ना। तो उसमें 100 में 50% नहीं मिलेगा कि ऐसे नहीं पता चलेगा कि जैसे तुमको इसी मिलेगा। तो यहाँ पे कभी भी विदेश आओ भाई तो ये ध्यान रखो कि थोड़ा अगर जो मुश्किल भी हो तो यहाँ से रिटर्न नहीं जाओ। इसलिए 70-80 हज़ार रुपया लगाए हो और तुम फिर घर चले जाओगे तो वो तो दुख पहले से भी ज़्यादा हो जाएगा उसका। अगर मान लीजिए तुम्हारे पास दौलत तो उतना, जिसका दौलत होता है वो उतना आता भी नहीं, कहीं कर्जा पैचा निकाला हो आए हो उसका भी ब्याज ही देना पड़ता है। तो ये मुश्किल है, पहले सोच समझ के आओ विदेश। ये नहीं हम प्लेन पे चढ़े जाएंगे और उधर जाकर पेड़ है, ये पैसे वाला पेड़ है, ऐसे हिला देंगे अब सहोर कर अब पूरा बोरे में कस के घर पे भेज देंगे। ऐसे लोग सोचते हैं हमारा गांव में, ऐसे लोग सोचते हैं बहुत, ऐसा दोस्त भी सोचते हैं जब भी फोन करते हैं, अरे भाई और सब सुना यार 5-6 हज़ार रुपया डाल दे यार, दिल टूट जाता है, मांगता है लोग पैसा यार। यहाँ पे दिल नहीं लगता है तो सोचते हैं यार दोस्त के पास थोड़ा बात कर ले तो हाल चाल पूछ लेते हैं सारा। जैसे हाल चाल पूछेगा उसके बाद उन लोग कहेंगे यार 2-3 हज़ार 5 हज़ार रुपया दे दे यार, यार तुम कमाओगे ना तब पता चलेगा। थोड़ा मतलब दिल से बोल रहा हूँ, ये कभी मतलब सोचा नहीं था, लिखा भी नहीं था, ये सब अब यार दिल से निकल रहा है। तो ऐसा नहीं करो, किसी कोई भी विदेश रहता हो तो भाई सेम है, मेहनत कर रहा है तो कमा रहा है, ठीक है, और उसको कुछ करना है तब यहाँ पे आया है, वो गंवा रहा है कुछ अपना गंवा रहा है तब ऐसा पैसा इतना मेहनत से कमा रहा है। तुम वो भी दोस्त यार के पास फोन करते हैं तो हाँ 5 हज़ार डाल के 6 हज़ार, दिल टूट जाता है यार। इधर तुम बाहर निकलोगे ना तब पता चलेगा, इधर ओनली रम्मल है, रम्मल किसको बोलते हैं, बालू को, बालू बालू है बस, यहाँ कुछ नहीं है। अब गर्मी इतना है, अगर जो बाहर पे अगर जो कोई विदेश आ रहा है
तो भाई बाहर समझ लो बहुत गर्मी है, इंडिया से दो गुना ज्यादा गर्मी पड़ती है। चलो इधर चल चल के बात करते फिर ना, तो ऐसा होता है कि अब बात हाँ, फिर इधर आने के बाद बोलोगे कि भाई हाँ कितना बोलते हैं एसी में था भाई, जो डेढ़ एसी में आया है वो भी आया है, तो कुछ आदमी को हद से समझ लो कि डेराइडरी में अच्छा काम लग जाएगा, ठीक है। और ऐसा है ये देखो, अब इन गली से हम लोग गुजर रहे हैं, जा रहे हैं मस्जिद, तो आप लोग आओ तो समझ लो कि यहाँ पे एक कष्ट उठाने आ रहे हो, सही है। ये नहीं सोचो कि मैं जाऊँगा तो ऐसे गिरी करूँगा ये करूँगा, इधर आओ तो समझ लो कि एक मैं जेल में जा रहा हूँ, जेल में जैसे कैदी होते हैं वैसे। इधर घूमने फिरने का कोई हरियाली चीज़ नहीं है, ठीक है। एक खजूर का पेड़ मिलेंगे, वो भी घर के आगे, पानी बहुत सेवा, पानी बच्चों की जैसे करते हैं, तो एक खजूर उगता है ना, तो वो भी घंटा ना उगता। इधर कुछ नहीं है भाई, देखो इधर बस यही सब, ये भी ये जो है ना पौधा, ये भी अपना इसमें बहुत मेहनत किए हैं तभी इधर उगा है ना, तो इधर तो बालू है बस, मुँह तो तुरंत नीचे चला जाता है, पता ही नहीं लगता पेशाब किया, ठीक है भाई। तो मेरे वीडियो को लाइक करो, सपोर्ट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने भाई को यार दिल से दुआ करो यार, मेरा चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ लेकिन लाइक नहीं आता है, तुम लोग वीडियो वॉच करके देखो, ठीक है। मेरा ब्लॉग है, ठीक है, इससे भी अच्छी अच्छी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा। मैं मोबाइल दूसरा खरीदने वाला है तेरा भाई, यो यो।